मॉर्निंग, हैप्पी ठंडी सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे मस्त स्वस्थ। अभी हम लोग सो ही रहे। उठो, अरे मेरी बेटी है ना, उठ जा, उठो, सभी को गुड मॉर्निंग करो, राधे राधे। ये सो ही रही, इसको जगने का ही मूड नहीं है। तो फ्रेंड्स राधे सभी को पहले राधे राधे बोलो, राधे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। देखिए हम दोनों लोग अभी सो ही रहे हैं और समय हो गया है 9:45। बाप रे, एक्चुअली गाइस आज हम बताने वाले हैं कि हम लोग इस टाइम तक क्यों सो रहे हैं, क्योंकि कल ये बोली थी कि मम्मा विंटर वैकेशन, सॉरी बड़ा आता है ना जब मुँह आई इस तरह, विंटर वैकेशन होगा तो मैं चैन से सोऊंगी। तो फाइनली आज से इनका हो गया विंटर वैकेशन और ये सो रही हैं, हम भी सो ही गए। अभी उठेंगे फिर चाय पानी की तैयारी में, फिर हे राम, हे श्री सीताराम, राधे श्याम। कहाँ जाएंगे घूमी करने? हम कहीं नहीं जाएंगे, ठंडा में इतना रात भर मेरा पेट दर्द हुआ है। ये तो बेचारी अपना चैन से, हम सुबह भी उठ गए थे, हमारा टाइम से नींद खुल जाता है, लेकिन फिर हमें पेट में दर्द हो गया, हम लेट गए। हे देवा, सुबह उठो तो खूब बड़ा बड़ा जमुआ ही आता है सही में। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हुआ हुआ को क्या कहते हैं, जमुआई, या आप लोग के यहाँ कुछ और भाषा बोला जाता है? क्या कर रही हो? तो ठीक है गाइज, बने रहिए वीडियो में, हम उठते हैं फिर दिन भर का अपना क्या किए क्या नहीं आज के ब्लॉग। हाँ दिखाओ क्या चीज। हाँ कल ये कुछ बनाई है ड्राइंग में, तो इनको दिमाग ही चलता है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर इसलिए है। मैंने इसमें छेद करके धागा लगा दिया। सभी को बोलो, तुम बोली गुड मॉर्निंग राधे राधे। हाँ बोले। अच्छा चलते हैं फ्रेंड्स, फिर उठते हैं, मिलते हैं वीडियो में आगे क्या क्या हुआ क्या नहीं। हाँ भैया, नौ पर पापा 9 बज गया, उठो रे बाबा, आज तो खूब सोए हम लोग। थैंक्स इतना सोने के लिए, भगवान इतना आज हम लोग को टाइम दे दिए कि हम सो लिए। मेरे खाना, आई मैं यार, मैं ये पेट पे नहीं, और सुनाए। गुड नाइट। अब पिट जाए। हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स आज हमने अपने ठाकुर जी के लिए, आज के ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगी आप लोगों को। आज मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाया है ढेर सारा बहुत टेस्टी टेस्टी तहरी, पापड़, चोखा मतलब भरता, चटनी और रोटी। हाँ इतने सारे चीज। तो गाइज हमारा सब कुछ बन के हो गया है रेडी। अब मैं बनाऊंगी रोटी और फिर मैं लगाऊंगी अपने लल्ला को, वो दिखाऊं। ये अभी मैं पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है? तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो गाइज मेरा भोग बन के, लल्ला का भोग बन के हो गया तैयार, मतलब मेरा काम हो गया है। तो ये है मेरे लल्ला का खिचड़ी, पापड़, चोखा एंड चटनी। लेके चलते हैं, लग गया है टेबल, लाइट जलाओ, चलो आओ पकड़ो तुम कैमरा, हम खाना जल्दी जल्दी ले आए। पकड़ो यार जल्दी करो, ये लड़की ने एकदम सुनती ही नहीं है। ऐसे पकड़े रहो, हम जल्दी जल्दी पहले ले आए खाना। हे गोविंदा, हे गोपाल, हे गोविंदा, हमको भी दिखाओ। हम जल्दी जल्दी से सारा सामान पहले ले आके रख लें। हे गोविंदा, हे गोपाल, खाना अच्छे से ले ये लेना पापड़, दीदी। मम्मा ये पापड़ के बगल में क्या है? क्या पापड़ के बगल में अमृत?
मतलब हाँ, पापड़ के आगे ये चोखा है। चोखा येलो भी दिखता है। हाँ चोखा येलो ही, उसको थोड़ा सा भुने है ना। ये है चटनी, खिचड़ी के चार यार, चोखा चटनी, घी अचार की जगह पापड़। रोटी भी आ गई है। हाँ रोटी भी मिलाई। अरे मम्मा ठंडी लग रही है। ठाकुर हमारी रमण बिहारी, अरे मम्मा हम है रमण बिहारी के। तो गाइस हमारे बाबू हीरो राजा अधिराज महाराज। मम्मा कुछ खाए भी नहीं तब भी ढकार आ गई। दूध पियो। अरे हाँ चलो दिखाओ, अभी इधर लल्ला को लगेगा भूख। पता है गाइस आज हम बहुत दिन बाद में चावल कटहरी में एक बार और बनाई थी तो लल्ला को भूख नहीं लगा पाई थी, तो आज फाइनली मैं बनाई हूँ। आज मैं बहुत अच्छे से बनाई हूँ, पापड़ चटनी। इधर दिखाओ, पापड़ चटनी चोखा खिचड़ी रोटी, आज बहुत ही अम्मी खाना है। इनकी टोपी मैं ऐसे लगा दूँ है ना, अब इनको ना ऐसे लगा। खाना खिलाओ। खिला रहे हैं, तुलसी पत्ता लाओ मेरे लिए। अरे मम्मा कैसे लाऊं? लाओ मुझे कैमरा पकड़ा दो, उसी पे रोक के मुझे दे दो। गाइस मैं तुलसी डालना भूल गई थी, जल्दी जल्दी डाल दो। लल्ला मेरे कितने मलूक लग रहे हैं। और ये चोखा मैं थोड़ा सा फ्राई करके भूनी हूँ इसको, जल्दी जल्दी करो। ओके और ये पापड़ में भी तुलसी गिर भी रहा है। हाँ चलो रुको। हाँ रुके हैं। ओके लो पकड़ो ना, तो मोड़ कर देती हो ना तो पूरा रील भी नहीं बन पाता अच्छे से। मैं पहले सी ऑन कर दिया था। हाँ तो अब मैं इनको खिलाऊंगी यम्मी यम्मी भोग। अबे मम्मा मुझे डांट रही है। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे लल्ला, हरि सुंदर नंद मुकुंद। पहला भोग, पहला भोग प्रभु आपको अर्पण, पहला भोग प्रभु आपको अर्पण, तब झूठ न खाए मोरे लल्ला, खिचड़ी के चार यार चोखा चटनी घी अचार। अब लल्ला को हम खिला देते हैं ना, बहुत मन से खाएंगे। पता है नानी के घर का नया चावल आया था तो मैं तहरी बना दी थी, बट मैं लल्ला को उस दिन भोग नहीं लगा पाई थी। आज हम अपने लल्ला को तहरी बना कर बहुत अच्छे से भोग लगाएंगे। खिलाओ। खिला रहे हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, खाने बाबू। तो हमने बिना लहसुन प्याज का हम खाना बनाते हैं क्योंकि हमें बाबू को भोग लगाना रहता है, है ना बच्चा। और एक बार मम्मा ना वो निमोना भी बनाई थी। हाँ वो तो हमेशा बनाते हैं। हाँ लेकिन उसमें मम्मा ने एक चीज डाल दी थी जिससे लल्ला को भोग नहीं लगा था। मुझे पूजा नहीं करना था गाइस, तो हम लहसुन धनिया पत्ता लहसुन पत्ता दोनों पड़ा था, वैसे लहसुन वसुन नहीं बनाया जाता, लहसुन आता ही नहीं। वो हमको लग रहा है हम 2 साल बाद लहसुन पत्ता आ गया था, मुझे भोग नहीं लगाना था उस दिन तो हम बना लिए थे। 2 साल बाद नहीं मम्मा, 3 साल बाद। 3 या 2.5 साल बाद। बंद करो थोड़ी देर, बंद है।